गुड मॉर्निंग्स माय यूट्यूब फैमिली, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल सेफ्टी गाइडलाइंस में। मैं हर दिन की तरह आज भी एक सेफ्टी से रिलेटेड एक नया वीडियो लेके आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए बिना समय नष्ट किए हुए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। हाँ तो दोस्तों, आज का हम लोग का टॉपिक है फायर के बारे में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि फायर का फुल फॉर्म क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग आग बुझाने के लिए कितने तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहला होता है स्टाइवेशन, कूलिंग और स्मूथरिंग होता है। तो इसके बारे में आज हमको डीपली बताने वाले हैं कि स्टाइवेशन क्या होता है और स्मूथरिंग क्या होता है। ओके, और सबसे मेन मेरा टॉपिक इस वीडियोज में इंटरव्यू के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कि CO2 कार्टिज क्या होता है। जैसे मैं कहने का मतलब कि जैसे मैं आप लोगों को पता होगा कि एक्सटिंग्यूसर होता है, जो वाटर टाइप एक्सटिंग्यूसर या फोम टाइप एक्सटिंग्यूसर या आपका हो गया DCP टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूसर। तो देखिए, जैसे में क्या होता है कि ये पाउडर्स होता है, तो ये छोटा वाला एक्सटिंग्यूसर आप लोग सब देखें उसमें DCP पाउडर होता है। तो DCP पाउडर आखिर में वो बाहर निकलता है कैसे, प्रेशर वो कैसे बनाता है, आज उसके बारे में डीपली बताना हूँ। जैसे में वाटर है, जो हम लोग छोटा वाला पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर यूज़ करते हैं, उसमें वाटर आता है। तो वाटर वो प्रेशर बना के डिलीवरी होस पाइप के माध्यम से बाहर कैसे आता है? वाटर तो वैसे हम लोग रखेंगे ना नीचे, तो वो तो प्रेशर बनाता नहीं है। तो आखिर में वो जो एक्सटिंग्यूशर होता है उसके अंदर क्या रहता है, उसके बारे में आज हमको डीपली बताने वाला है। या फिर आपका ये पाउडर हो गया, उसके बारे में, वो पाउडर निकलता कैसे है बाहर, आखिर में उसके पीछे का राज क्या है। अगर आप तो लास्ट तक बने रहे, आज आपको हम बताएंगे इसके बारे में डीपली। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं फायर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एफ से क्या होता है, फाइंड द फायर एंड द लोकेशन एंड इट्स साइज। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को भी दिखे फायर के, अगर कहीं आग लगा है तो पहले हम लोग का उसमें क्या क्या होता है, पहले फाइंड द फायर, आग लगा है फाइंड कर लिए, उसके बाद से द लोकेशन, कहाँ आग लगा है, उसके बाद से उसका साइज क्या होता है, और उसके बाद से हम लोग देखेंगे वहाँ पे वो किस क्लास का आग लगा है। अब ये ना कि वहाँ का इलेक्ट्रिक में आग लगा है और वहाँ पे हम लोग वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर लेके चले गए, तो वो हम लोग को ही शॉर्ट सर्किट लग सकता है। वहाँ पे हम लोग आग बुझाने के चक्कर में हम लोग अपने खुद ही शॉर्ट सर्किट में आ सकते हैं। और देखना है हम लोग को लोकेशन, कहाँ आग लगा है। ओके, और देखना उसका साइज़ क्या, अभी ना कि वहाँ पे बड़ा फायर है और वहाँ पे हम लोग पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर चले जाएँ, तो वो कोई फ़ायदा नहीं होता है। पोर्टेबल एक्सटिंग्विशर वो छोटे छोटे फायर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, वो छोटा सा ही फायर बड़ा बनता है। ओके, तो पहले हम लोगों को अगर छोटा फायर है तो उसको एक्सटिंग्विशर से इस्तेमाल से उसको बुझाना है। ठीक है, तो पहले उसका बुझाने से पहले हम लोग देखेंगे वो क्लास किस क्लास का फायर है। ओके, दूसरा क्या होता है, इन्फॉर्म सीनियर पर्सन लाइक साइट इंचार्ज, साइट सुपरवाइजर, रेस्क्यू टीम। तो देखिए दोस्तों, ये क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ सीनियर पर्सन के इसलिए हम लोग इन्फॉर्म करते हैं क्योंकि वो आग तो एक मेरे साइड पर लग गया है। ठीक है, उससे हम लोग सीनियर पर्सन को इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो वहाँ पर दिक्कत ये हो सकता है, अगर वहाँ पर ज़्यादा बड़ा फायर लग जाए तो दिक्कत हम लोगों को होगा। ठीक है, इसलिए हम सीनियर पर्सन को इसलिए इन्फॉर्म करते हैं ताकि वो उसका उसके बारे में ज़्यादा जानता है और उसके पास रिसोर्स ज़्यादा रहता है। वो रेस्क्यू टीम को बुलाएगा, रेस्क्यू टीम को इसलिए बुलाएगा क्योंकि अगर मान लीजिए कि आग में कोई मेरा वर्कर्स या कोई फंस गया है तो उसको कैसे रेस्क्यू टीम तो सबको आता नहीं है, तो उस रेस्क्यू टीम के लिए स्पेशल रेस्क्यू टीम होता है। इसलिए हम लोग पहले अपना काम है, अगर आग दिखे, अगर छोटा आग है तो हम लोग एक्सटिंग्विशर का यूज़ करके बुझा सकते हैं। ओके, अगर वो हमसे बुझने वाला नहीं है तो तुरंत हमको साइड अपने से सीनियर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तीसरा क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट द फायर, जहाँ तक कोशिश हो सके वहाँ के रिस्ट्रिक्ट करेंगे। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे अगर वहाँ पे एक जगह सपोज कीजिए कि यहाँ पे आग लगा है कहीं भी और उसके बगल में उसका फ्यूल मतलब कि बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से फ्यूल रिसोर्स ही हटा देंगे। वहाँ पे क्या करेंगे, वेंटिलेशन वहाँ पे बंद कर देंगे। अगर वहाँ पे वेंटिलेशन के ऑक्सीजन के माध्यम से अगर वहाँ पे ज़्यादा जा रहा है तो आग फैल गए, तो वहाँ पे कोशिश करेंगे तो उसको ऑक्सीजन का लेवल वहाँ पे घटा दें। ओके, तीसरा सबसे लास्ट ऑप्शन क्या होता है, ई से मतलब क्या होता है, एक्सटिंग्यूश द फायर, तब उसको हम लोग आग को बुझाएंगे। लो जब ये पहले फाइंड करेंगे, उसके पास लोकेशन देखेंगे, उसके पास साइज देखेंगे, उसके पास इन्फॉर्म कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा फायर होता है इन्फॉर्म करेंगे, छोटा फायर होता अपने से कोशिश करेंगे कि उसको बुझा दें, उसको लास्ट में एक्सटिंग्यूश द फायर, उसको एक्सटिंग्यूश करने का काम करेंगे। ठीक है, ओके, तो फ्रेंड्स अभी थोड़ा ज़्यादा नॉइज़ आ रहा होगा आप लोगों को, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी साइट पे ही हूँ। ठीक है, और टाइम नहीं मिल पाता है वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, क्योंकि 12 घंटे की ड्यूटी है तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो उसके लिए सॉरी। ओके, तो
अब हम लोग आके देखते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कि हम लोग आग बुझाने का तरीका कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, हम बता रहे हैं कि हम लोग आग बुझाने के लिए मेरे पास तीन तरीका होता है। पहला क्या होता है, स्टाबेशन, और दूसरा क्या होता है, स्मूथरिंग, और तीसरा क्या होता है, कूलिंग होता है। स्टाबेशन मतलब होता है भुखमरी, और दूसरा होता है स्मूथरिंग, उसको स्मूथ करके, और तीसरा क्या होता है, कूलिंग। इसके बारे में हम डिप्लिस में आपको आगे बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लो व्हाट इज स्टाबेशन, स्टाबेशन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, एस्टावेशन इज अचीव बाई रिमूव ऑफ द फ्यूल बर्निंग इन द फायर। समटाइम्स कम्बस्टिबल कैन बी रिमूव बाई शटिंग ऑफ गैस वाल्व्स और फ्यूल फ्लो। मतलब कहने का मतलब देखिए दोस्तों, एस्टावेशन मतलब ये होता है भुखमरी, जैसे वहाँ पे आग लगा है, ठीक है, और वहाँ पे फ्यूल मतलब होता है, जैसे मैं फ्यूल आपको इसके बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में, फायर के बारे में आपको डिप्लोमा में पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर जिन दोस्तों ने अगर वो मेरा वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे हम टोटली बताए हुए कि कौन सा फायर में कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं और किस टाइप का फायर के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर सबसे बेस्ट होता है, उसके लिए हम बता चुके हैं। उसमें बता भी चुके हैं फ्यूल क्या होता है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, और ये हीट क्या होता है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पर अगर समझिए आग लगा हुआ है और वहाँ पे आग लगा हुआ है और वहाँ पे पूरा लकड़ी है, अगर उस लकड़ी को वहाँ से हम लोग हटा देते हैं तो जहाँ पे आग लगा वहीं पर लकड़ी क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। या फिर सपोज़ मानिए कि वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर में गैस कटिंग मशीन है और वो जो मेरा टॉर्च होता है वहीं पर आग लग गया है, वहाँ पर समझिए कि ब्लास्ट ही हो गया है, ओके। तो कोशिश करेंगे तो वहाँ पर जाकर वाल्व बंद चुकेंगे एलपीजी का, अगर वहाँ पर हम लोग वाल्व बंद कर देते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर जब ऑक्सीजन वहाँ पर एलपीजी जाएगा ही नहीं तो फिर जलेगा कहाँ से, ओके। फिर ये हम लोग काम करते हैं, वहाँ से हम लोग फ्यूल का सोर्स ही हटा देंगे कोशिश करके, ओके। और दूसरा क्या होता है हम लोग का, व्हाट इज स्मूथरिंग, स्मूथरिंग क्या होता है, बाय एक्सक्लूडिंग द ऑक्सीजन इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक द फायर विल बी एक्सटिंग्विशर। मतलब कहने का मतलब वहाँ पे क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल पूरा काम करे। जैसे मैं सपोज मानिए कि एक एलपीजी सिलेंडर है, उसका जो रेगुलेटर है वहाँ पे आग लग गया है, तो अगर उसको क्या करेंगे, एक जो वो चद्दर होता है उसको पूरा भिंगा के जाके वहाँ पे हम लोग राउंड कर देते हैं, क्योंकि अगर उसको हम लोग पानी से भिंगा देंगे तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मतलब प्रवेश नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पे उसको लेके जाएंगे और उसको पूरा घेर के हम वहाँ पे कर देंगे तो क्या होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो ईजिली से वो क्या होगा, वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो वहाँ पे ये करेंगे हम लोग, ठीक है ना, ओके। और दूसरा हम देखते हैं व्हाट इज कूलिंग, कूलिंग क्या होता है। फ्रेंड्स, द मोस्ट कॉमनली यूज फायर एक्सटिंग्विशर मेथड इज वाटर। वाटर एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द फायर एंड कूल्स द फ्यूल टू एटमॉस्फेरिक वेयर इट इज नो लॉन्गर प्रोसीजर फ्लेमेबल वाटर। फ्रेंड्स, ये कूलिंग क्या होता है, द मोस्ट कॉमनली यूज फायर एक्सटिंग्विशर मेथड वाटर। ये पता है क्या करता है, ये कूलिंग क्या करता है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुके हैं कि फायर लगने के लिए तीन चीज़ें होती है, हीट, फ्यूल एंड ऑक्सीजन। अगर वहाँ पे हम लोग पानी डाल देंगे तो पता है क्या होता है, वहाँ का जो हीट लेवल होता है वो जीरो हो जाता है, और वहाँ पे ये कूलिंग करके वहाँ पर मैटर का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसके बाद वो वेपर बनने ही नहीं देगा, जब वेपर नहीं बनने देगा तो वहाँ पे आग लगेगा नहीं। जैसे हम लोग ये सिंपली सम एग्जांपल दे रहे हैं कि हम लोग जो अभी फिलहाल ठंडी का ये मौसम चल रहा है तो इस मौसम में हम लोग आग लगाते हैं, अगर वहाँ पे पता है क्या होता है, अगर आंधी दिया था तो हम लोग वहाँ पे तुरंत पानी डाल के आग को बुझा देते हैं। तो ये क्या होता है, ये कूलिंग मेथड होता है, ओके। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसके लिए यही है, ओके। और फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक जाता है CO2 कार्टिज के बारे में। तो ये जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इमेज में, ये सब क्या है, CO2 कार्टिज होता है, ओके। इसके बारे में चलिए डीपली हम आगे बता रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैं हम लोग आज का टॉपिक है ये फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में, ओके। जैसे मैं आप लोग देख रहे हैं लोग, ये DCP पाउडर टाइप्स का एक्सटिंग्विशर है, और जैसे मैं आप लोग देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का है, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और येलो कलर का जो ग्रीन कलर का आप लोग को यह एरो दिख रहा है, ये क्या होता है, DCP पाउडर होता है, और इसमें आप लोग को छोटा सा दिख रहा होगा ये, जैसे मैं और वो CO2 कार्टिज क्या होता है, वो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसी जैसा सेम टू सेम, वो छोटा होता है और उसका कैपेसिटी अलग अलग होता है। वाटर के लिए हम लोग कुछ वाटर के लिए उसका साइज़ कुछ अलग होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CO2 कार्टिज यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, और वहाँ पे एक CO2 गैस कार्टिज हो गया, और उसके पास इंटरनल सिलेंडर होता है एक छोटा सा, ठीक है। जैसे मैं आप लोग फिगर में देख रहा हूँ, जो ब्लैक कलर से घिरा हुआ है, और नीचे क्या है, DCP पाउडर है, और क्या है, सीफन ट्यूब है, और ये क्या है, डिस्चार्ज ट्यूब है, उसके पास सबसे ऊपर क्या है, प्लंजर है, उसके पास सेफ्टी पिन है। तो फ्रेंड्स, जैसे हम लोग ये प्लंजर को प्लंज करते हैं
तो क्या होता है, ये जो CO2 कट्स होता है ये ओपन हो जाता है और ये प्रेशर पूरा अंदर ही प्रेशर बना के यहाँ पे आता है उसके नीचे, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं जो ब्लैक कलर का आ रहा होगा एरो, वैसे आता है। और ये जो सिलेंडर होता है उसमें DC पाउडर होता है, उसको पूरा प्रेशराइज करके, ये प्रेशर करके जो सीफन ट्यूब होता है उसके माध्यम से डिस्चार्ज ट्यूब में ट्रांसफ़र करता है। ओके तो फ्रेंड्स, CO2 कार्टिज का यही यूज होता है। अब आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। जैसे मैं आप लोग देख रहा हूँ ये वाटर टाइप टाइप ऑफ एक्सटिंग्यूशर है। इसमें क्या होता है, वाटर टाइप यहाँ पे आप लोग जो ब्लैक कलर का वो जो एरो है यहाँ पे वाटर ये पूरा है, और उसके बाद से क्या है सीफन ट्यूब होता है जिसके माध्यम से वो डिलीवरी होस पाइप को डिलीवर करता है, और उसके से स्टोरेज प्रेशर होता है। वाटर टाइप में क्या होता है, ये CO2 कार्टिज नहीं होता है, उसमें क्या है वाटर कुछ रहता है, वाटर का वेट रहता है, उसके बाद से हम लोग उसमें प्रेशराइज किए स्टोर प्रेशर कर देते हैं। जैसे ही हम लोग हैंडल को प्रेस करते हैं लो, तो ये क्या होता है उधर से आपको जैसे प्रेस करेंगे तो वो रास्ता खुल जाएगा, उसका वॉल्व खुल जाएगा, तो ये जितना स्टोरेज प्रेशर होता है इसको इतना ज़्यादा प्रेशर कर देते हैं कि ये पूरा वाटर को पूरा प्रेशर करके ये जो सीफन ट्यूब होता है उसके माध्यम से डिलीवरी होस पाइप करके ये बाहर निकाल देता है। ओके अब हम लोग तीसरा देखते हैं, ये क्या है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है, ड्राई केमिकल पाउडर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इसमें भी कंप्रेस गैस रहता है, इसमें भी सीफन ट्यूब होता है, सेफ्टी पिन होता है, इसमें हैंडल होता है, प्रेशर गेज होता है, इसमें भी नोजल होता है, सेम टू सेम वैसा ही काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करें और सहयोग करें। सॉरी फॉर दिस, पता है क्या हो रहा, अभी हम लोग को टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों, तो ये हम साइड पे ही रह के हम वीडियोज़ बनाते हैं और आप लोग, तो इसलिए थोड़ा नॉइज़ आता होगा, तो उसके लिए सॉरी फॉर दिस।